ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग एल्केन्स के बारे में पढ़ा था जो कि था एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अभी हाइड्रोकार्बन्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो कि एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स उसका फॉर्मूला, उसकी कुछ क्वालिटी और उसके स्ट्रक्चर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन भी बताई थी आपको मैंने। डेफिनेशन ये होती है जब एटम एटम्स के बीच में मोर देन वन बॉन्ड होते हैं, एटम्स एटम्स के बीच में मोर देन वन बॉन्ड होते हैं, उसको हम मल्टीपल बॉन्ड भी बोल सकते हैं। व्हेन एटम्स हैव या एटम्स बॉन्डेड विद मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर एटम सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड हैं तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनको हमने एल्केन्स भी बोला था। अब अगर मल्टीपल बॉन्डेड हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब मल्टीपल बॉन्ड में वन से ज़्यादा आते हैं, वन से ज़्यादा या तो टू वाला हो सकता है या वो थ्री वाला हो सकता है। तो इस आधार पर भी हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है एल्किन्स, जब एटम्स के बीच में दो बॉन्ड हो, एटम्स आर बॉन्डेड बॉन्डेड विद टू बॉन्ड, तो हम उसको बोलते हैं एल्किन्स। क्या बोलते हैं, एल्किन्स। अगर एटम्स ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड हो, तब हम इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं एल्काइन्स। क्या बोलते हैं, एल्काइन्स। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने एल्केन्स पढ़ा था सेपरेटली, फॉर्मूला, उसके स्ट्रक्चर, उसके कुछ कंपाउंड्स, जैसा एग्जाम में आते हैं कि अगर एन कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं तो कंपाउंड का नाम बताइए, इस तरह से हम लोग एल्केन्स के बारे में भी और एल्काइन्स के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, रफ कर दी। एल्केन्स के सबसे पहले एल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एल्केन्स, एल्केन्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि CnH2n+2, उसका फॉर्मूला हमने, उसके स्ट्रक्चर, उसके कुछ एग्जांपल्स देख के बताया था कि इस तरह का फॉर्मूला इसमें कुछ होता होगा। ठीक है, तो हम इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद इसका फॉर्मूला भी हम लोग सोचते हैं। जैसे C2H4, जैसे C3H6, जैसे C4H8। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा कि जितने कार्बन हो रहे हैं उतने उससे डबल जस्ट हाइड्रोजन हो रहे हैं, जितने कार्बन है उससे जस्ट डबल जो है वो हाइड्रोजन है, जितने कार्बन है उससे जस्ट डबल हाइड्रोजन है। तो एल्किन्स का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है CnH कितने होंगे, अगर CN है तो H जो होंगे 2N होंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्किन्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्किन्स। अच्छा, इसमें CnH2n तो सेम है, एल्केन्स में प्लस टू भी था, यहाँ पे प्लस टू क्यों नहीं आया, इसका रीजन बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड बढ़ गया है, एल्केन्स में एक डबल बॉन्ड आ गया है और एल्केन्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड थे। इसका ये मतलब है कि दो हाइड्रोजन को कम करके हम एक बॉन्ड इंक्रीज कर सकते हैं। आप सोच भी सकते हैं, हमने Cl और Cl के बीच में एक बॉन्ड बनाया था, क्योंकि Cl सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है वो सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि Cl दो थे। जैसे एग्जांपल के लिए H2 लेते हैं, H2 H एंड H, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
एक होता है, इसने बढ़ा दिया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके कंप्लीट, इसके कंप्लीट, कितने बोन बने? सिंगल बोन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, अकेला नहीं शेयर कर सकता, दो शेयर करेंगे, शेयरिंग में कम से कम दो पार्टनर तो होने चाहिए, एटलीस्ट दो पार्टनर तो होने चाहिए एटलीस्ट। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बना सकते हैं। अगर उस बॉन्ड को ख़त्म करना है तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लें। अभी एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है एल्किन्स का, CnH2n, और ये प्लस टू क्यों नहीं आया? क्योंकि एक बॉन्ड इंक्रीज होगा, बॉन्ड इंक्रीज होने से प्लस टू एच का क्या मतलब है वो मैं अभी स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझाऊंगा, ठीक है। समझ आया? कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ इसकी। जो एल्किन्स होते हैं वो अच्छे फ्यूल नहीं होते हैं, जबकि जो एल्केन्स होते हैं वो गुड फ्यूल होते हैं, ये कहें कि अभी तक हमारे लिए बेस्ट फ्यूल की तरह होते हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं डीजल के बारे में, डीजल में हम नापते हैं ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर। डीजल और पेट्रोल में हम लोग दो चीजें नापते हैं, सीटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन किसका पार्ट है? एल्केन का है। ब्यूटेन एल्केन का पार्ट है। तो जितने भी गुड फ्यूल्स हैं वो सब कैसे हैं? एल्केन्स होते हैं, जबकि जो बैड फ्यूल्स होते हैं वो एल्किन्स होते हैं, मतलब अच्छे फ्यूल नहीं होते, दीज आर नॉट गुड फ्यूल। फॉर्मूला CnH2n बता दिया आपको मैंने, आपको एग्जांपल्स। अगर आपसे कोई पूछे बताइए कार्बन की संख्या C इक्वल टू 80, तो बताइए कार्बन जो एल्किन्स होगा वो क्या होगा? एल्किन्स जो जितने कार्बन पे एल्किन्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो सेम फॉर्मूले में पुट करना है C80H 160, जस्ट डबल। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्किन्स। क्लियर है तक? अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर से आपको क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर n की वैल्यू 1 है तो फॉर्मूला बनेगा हमारा C1H2। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें तो CH और H, इसको कितने बॉन्ड बन, कितने बॉन्ड चाहिए, कितने बॉन्ड रिक्वायर्ड है इसको, इसको कितने बॉन्ड रिक्वायर्ड है? 4। और ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है? 1। तो इससे कितने बॉन्ड बनाएगा? ये 1 बॉन्ड। इसको कितने और कितने, 1 तो इधर बन गया, और कितने चाहिए इसको? 3। बट ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है? तो इसके साथ कितने बॉन्ड बना सकता है? ये भी 1। अभी कार्बन को और कितने बॉन्ड रिक्वायर्ड है? 2। क्या पूरे हो रहे हैं वो? इसका ये मतलब है कि कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इसमें कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है। डबल बॉन्ड ये बना नहीं सकता हाइड्रोजन इससे, अगर दो बॉन्ड यहाँ बने, दो बॉन्ड यहाँ बने, तो इसके 4 पूरे हो जाएंगे, लेकिन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन तो बना ही नहीं सकता इससे, तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। ये कह सकते हैं अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। तो ये कंपाउंड तो N=1 वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, अनस्टेबल कंपाउंड। तो कहाँ से स्टार्ट करेगा? N=2 से स्टार्ट करेंगे। क्यों एग्जिस्ट नहीं करा समझ आया होगा? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी फुलफिल नहीं होती है, कार्बन की वैलेंसी फुलफिल मान लेते हैं इन हाइड्रोजन से इन्हों हमने बना भी लिए, और कहें कि इसको दो हाइड्रोजन और दे देते हैं, चलो दे दिया हाइड्रोजन, एक दे दिया हाइड्रोजन, अब बता नहीं कौन बन गया, ये तो एल्किन बन गया। फिर से हम क्या पढ़ रहे हैं? एल्किन्स। तो N=1 पे कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता है, स्पेशल एल्किन्स के अंदर, ठीक है, क्लियर। हम N=2 से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला है हमारा CN, मतलब H, सॉरी C2 एंड H2N, 2 इंटू 2 मतलब C2H4। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो सबसे पहले हम रखते हैं सेंटर एटम को मिडिल में, जो सबसे कम काउंटिंग क्वांटिटी में होते हैं, या ये कहें कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली कार्बन को ही बीच में रखते हैं, कार्बन को रखते हैं,
कार्बन ही इनका राजा है, तो कार्बन को बैठा कर रखते हैं, बाकी सब उतार उतार से उनको घेर लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन को रखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या फॉर्मूला भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कार्बन को हमने क्या रखा, सेंटर में रखा, दो कार्बन है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन को रखते हैं, कार्बन रख दिए, कार्बन के बाद हाइड्रोजन को पुट करते हैं, बीच में तो उनके कार्बन रख नहीं सकते, क्योंकि तो कार्बन अगर बीच में रखेंगे तो एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक बॉन्ड ये बनाएगा, दो बॉन्ड कार्बन बना ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। और अगर ये मान लें कि कार्बन इससे बॉन्ड बना लेगा, इससे नहीं बनाएगा, तो ये कंपाउंड अलग हो गया, ये कंपाउंड अलग हो गया, हमें तो एक ही कंपाउंड चाहिए। ठीक है, तो कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोजन नहीं पुट करते हैं, ध्यान रखना। ये कार्बन है एक, इसके अराउंड हाइड्रोजन कितने हैं, दो, दोनों को दो दो, दोनों के हिस्से में दो दो दे देते हैं, एक हाइड्रोजन इसने ले लिया। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि यहीं लगाएं यहीं लगाएं, ऐसा भी जरूरी नहीं है, यहाँ लगा सकते हैं, एक यहाँ लगा सकते हैं, या यहाँ ना लगा के यहाँ भी लगा सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सी, ये हमने कार हाइड्रोजन लगाया यहाँ पर, एक लगाया यहाँ पर, ठीक है, इसमें भी एक यहाँ पर लगा दिया हमने और दूसरा यहाँ पर लगा दिया। अब बताइए इस कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हुए हैं, और कितने रिक्वायर्ड है इसको, दो। इसके कितने कम्प्लीट हुए हैं, इसको भी दो रिक्वायर्ड है, हाइड्रोजन हमारे पास नहीं है। तो ये क्या करता है कि भाई एक एक मैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बताता हूँ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इनके बढ़ा दिया आगे, इसने इस हाइड्रोजन ने ये बढ़ा दिया कि मुझे एक बॉन्ड बनाना है, बना लो। इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, ले भैया ठीक है मुझे भी चीज़ ज़रूरत है, तो इसके कम्प्लीट हो गए बॉन्ड, समझ आ रहा ना सीजन। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन ने भी क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकल किया कि मुझे भी एक बॉन्ड बनाना है, ये बढ़ा दिया इसने भी। कार्बन ने कहा ठीक है मैं भी बना लेता हूँ, तो इसके भी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये कार्बन भी किस इसके साथ सेम करेगा, जो स्टार वाले इलेक्ट्रॉन है वो मैंने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शो किए हैं दोबारा से। ठीक है, ये शो किए, इसने भी एक इंक्रीज किया, इसके कंप्लीट हो गए, इसने भी एक इंक्रीज किया अपना, इसने भी इनकेज कर दिया एक, तो इसके भी पूरे हो गए, बट इनके पूरे नहीं हुए अभी। तो ये क्या करते हैं आपस में, ये भी इसके पास, इसके कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, एक इसको शेयर किया हुआ है, एक इसको शेयर हुआ है, दो बचे हैं इसके पास, एक इसने भी इसको एक शेयर किया, इसको भी एक शेयर किया, तो इसके पास भी दो बचे हैं, तो ये भी अपने दो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा देगा और ये भी अपने दो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये दो इसके थे, ये वाले दो जो हैं इसके हैं और ये दो वाले इसके हैं। चाहे तो हम इन कार्बन कार्बन के भी सेपरेट किसी और चीज़ से नोट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उससे, समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये चार तो ऑलरेडी इसके थे, ये चार भी हो गए, तो इसके पूरे आठ हो गए। अभी कार्बन ने भी कहेगा कि मैंने भी शेयर किए हैं तो मेरे भी हैं। क्लियर आया तक? इस तरह से इसने और इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसने उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इनके बीच में भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मूला बोलते हैं, या बॉन्ड फॉर्मूला बोल देते हैं, बॉन्ड फॉर्मूला। क्या बनेगा, सी एच एच सी, सी और सी के बीच में क्या बना, डबल बॉन्ड। अब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि दो हाइड्रोजन रिमूव करके एक बॉन्ड कैसे बढ़ता है। अभी जो फॉर्मूला है इसका क्या है, C2H4। अगर हम क्या करें, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन दे दें, तो इसके बॉन्ड कितने हो जाएंगे पूरे, एक इससे ये एक इससे बना लेगा, एक इससे और एक कार्बन यहाँ दे दें, तो चार बॉन्ड हो जाएंगे इसके पूरे, तो कार्बन कितने हो जाएंगे, पाँच। और एक कार्बन इसको भी दे दें, तो ये भी एक बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन से बना लेगा, एक ये बना हुआ, एक ये बना हुआ, एक इससे बना लेगा, तो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये कि अगर हम
इसमें H2 ऐड कर दें, ये रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं आगे, जिसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, इस रिएक्शन को आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसमें अगर हम H2 ऐड कर देते हैं तो होता यह है AH इसको मिल जाएगा, AH इसको मिल जाएगा, तो कंपाउंड हमारा जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा। आप बताओ इसके बीच में डबल बॉन्ड बनने की जरूरत है क्या? इसको कितने की जरूरत है? सिर्फ इसको भी बनने की जरूरत है। हमने सिर्फ क्या ऐड किया है? 2H ऐड किया है। इसका ये मतलब है कि 2H अगर ऐड कर दें तो एक बॉन्ड कम करा जा सकता है, और अगर 2H रिमूव कर लें तो एक बॉन्ड बढ़ाया जा सकता है, इसका ये मतलब है। इसीलिए हमने जो एल्केन्स का हमारा फॉर्मूला था, क्या था एल्केन्स का फॉर्मूला? CnH2n+2। हाइड्रोजन को दो कम कर दिए, हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन कम कर दिए, तभी तो ये फॉर्मूला CnH2n बना है, और इसलिए इसमें डबल बॉन्ड आ गया है। क्लियर है ना? डबल बॉन्ड इसीलिए आया इसमें, क्योंकि इसमें से जो हमारा एल्केन्स वाला फॉर्मूला था जिसमें सिंगल बॉन्ड आते थे, उसमें से दो हाइड्रोजन कम कर दिए, ताकि दो हाइड्रोजन कम होके एक क्या बढ़ा लें, क्या क्या इंक्रीज कर लें, एक डबल बॉन्ड बना लें। क्लियर है ना? एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर लेते हैं, रफ कर देता हूं। अगर n=3 है, n=4 ले लेते हैं, 4, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा C4H। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय सेंटर सी कार्बन को हमेशा सेंटर में रखते हैं, तो सी कितने हैं? 4। उसके बाद क्या करते हैं? हाइड्रोजन को पूरा करते हैं, और हाइड्रोजन को भी इस प्रकार रखते हैं, सबसे पहले जो साइडो के एटम है ना, क्योंकि बीच में तो बॉन्ड बन सकते हैं, जो साइडो के एलिमेंट है उनके पूरे करते हैं, क्योंकि हमारे पास देख लेते हैं जितने बॉन्ड बनाएंगे, पहले हाइड्रोजन को रख लेते हैं। एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, एक उसको दे दिया, कितने हाइड्रोजन बचे? 4 बचे। एक इसको दे देते हैं, और एक तो दो बचे, एक इसको ऐड कर ले, एक पूरे हो गए हाइड्रोजन। कमी है अभी क्या, कि एक कार्बन, इसके देखो 4 बॉन्ड, 1, 2, 3, 4 पूरे हो गए, इसके भी 4, 1, 2, 3, 4 पूरे हो गए, इसके 1 और 2 सिर्फ 2 बने, इसका इसको, ठीक है। अभी भी देखोगे आप, इसके पास कितने बॉन्ड बने? 1, 2, 3 इसके पास 1, 1, 2, 3 इसको क्या चाहिए? इसको भी एक बॉन्ड और चाहिए, इसको भी एक बॉन्ड चाहिए, मतलब ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर चुका है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर चुका है, और होते कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन? 4। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मतलब अभी भी बचा है, तो ये क्या करेगा? और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा होगा, तो ये क्या करेगा? ये भी एक इलेक्ट्रॉन और आगे बढ़ा देगा, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा, क्या बन जाएगा? उससे डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन और इनक्रीज किया, आगे ले भैया इसको भी शेयर कर लेते हैं, इसने भी तुरंत बढ़ा दिया, ठीक है मेरे पास भी था एक्स्ट्रा, इसने बढ़ा दिया, तो आप बताइए इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन की कमी थी, अगर एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाता और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाता तो इसको डबल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो स्ट्रक्चर एल्कीन का नहीं बनता, फिर क्या बन जाता? वो एल्केन्स बन जाता। अभी क्या है? ये एल्केन्स, क्योंकि इसमें क्या बन गया? एक डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी शेयर किया, इसने शेयर कर दिया, इसके कंप्लीट, इसके कंप्लीट, ठीक है। स्टार वाले हाइड्रोजन के हैं, और डॉट वाले या सर्किल वाले जो हैं वो कार्बन के हैं, ये भी कार्बन, दोनों के स्टार ही हैं, इसके क्या हो गए? कंप्लीट। इससे भी शेयर किया, एक इसने एक शेयर किया, तो इसके भी कंप्लीट हो गए,
ठीक है, इसने भी एक शेयर किया होगा, ठीक है। पता है किसकी वैलेंसी पूरी नहीं, सबकी वैलेंसी पूरी होगी, ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन, ये तो था इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर, अगर इसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मूला बताएं तो अभी जो बनाया था पहले वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मूला था। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मूला मतलब जिसमें बॉन्ड शो किए गए हों, हाँ, जिस स्ट्रक्चर में बॉन्ड शो किए गए हों, किसमें डबल बॉन्ड कहाँ पर बना है, इसमें डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन इस वाले कार्बन के बीच में बना है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि यहीं बनेगा, आप यहाँ बना लें, अगर यहाँ बनाएंगे तो वहाँ के वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कहीं बना सकते हैं। बट ये देख लेना कि कार्बन के बॉन्ड चार से ज़्यादा तो नहीं हो रहे, अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनाना कि हाइड्रोजन वहाँ पे ज़्यादा ना हो जाए, ताकि कार्बन के बॉन्ड चार से ज़्यादा ना हो जाए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्मूला, हाँ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, इसके इसके बीच में डबल बॉन्ड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस C4H8। क्लियर हो गया, ठीक है। रफ कर देता हूँ थोड़े से, एल्काइंस के देख लेते हैं एक दो फॉर्मूला, रफ कर दिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, वैसे इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर नहीं पूछता, सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, या तो CO2 का पूछ लेगा, या इस तरह का कुछ पूछ लेता है, C2H4 का, या C2H6 का बताइए, इस तरह से आइटम पूछे जाते हैं बस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एल्काइंस के बारे में, अच्छा एल्किन्स की क्या पहचान थी कि डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमने कितने हाइड्रोजन कम किए, दो हाइड्रोजन, क्योंकि एक बॉन्ड बढ़ाने के लिए दो हाइड्रोजन कम करने पड़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एल्काइंस, एल्काइंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि एल्काइंस में कितने बॉन्ड बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो एक बॉन्ड तो होता है हमें पता है एल्केन्स में भी होता है, बट दो बॉन्ड बढ़ाने के लिए हमें कितने हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे, फोर कम करने पड़ेंगे, एल्केन्स में से हमें फोर हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे। हमारा एल्केन्स का फॉर्मूला था CnH2n+2, हमें बनाना है इसको एल्काइंस, जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड वाला तो हमारा ये है ही, हमें दो बॉन्ड और लेके आने हैं, तो दो एक बॉन्ड के लिए हमें दो हाइड्रोजन कम करने पड़ते हैं, और दो बॉन्ड के लिए हमें चार हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे, तो इसमें से क्या कर देंगे, फोर इलेक्ट्रॉन फोर हाइड्रोजन माइनस कर देंगे, फोर में से टू गया, टू बचा माइनस के, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है CnH2n-2, किसका, एल्काइंस का, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लेके आना है, ठीक है। अब अगर n की वन की वैल्यू बात करें, n=1 की बात करें, तो फिर से वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि CH2 2 2 2 2 कितना आ गया, जीरो, क्या बचा, सिर्फ C बचा, ठीक है। क्या कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, अकेला स्ट्रक्चर, इसकी वैलेंसी कौन पूरी करेगा, अगर एक कार्बन अकेला होगा तो वो 100% क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बन जाएगा वो, तो और वहाँ पर भी अकेला नहीं होता कार्बन, वहाँ पर भी बहुत सारे कार्बन होते हैं, लेकिन वो सिमिलर टाइप के एलिमेंट होते हैं, वो अलग बात है। तो ये भी n की n=2 किससे स्टार्ट होगा, 2 से चेक कर लेते हैं एक बार, इफ n=2 2 तो C2 and H2 into 2 minus 2, तो फॉर्मूला बना C2H4-2 2, इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या बन पाता है कि नहीं बन पाता। कार्बन को कार्बन दो हाइड्रोजन, तो एक इसको दे देते हैं, एक इसको, ठीक है।
अब इसके बॉन्ड कितने, एक हुआ है, इसका भी एक हुआ है, कितने और चाहिए इसको, तो आपस में बना सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो कार्बन के जो एलिमेंट होते हैं एल्काइंस में वो एन इजिकल टू टू से स्टार्ट होते हैं, याद रहे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं दो चार। जब एन इजिकल टू टू होता है तो फॉर्मूला होता है हमारा सी टू एच टू। स्ट्रक्चर की बात करें अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो कार्बन इधर, यहाँ पर कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, तो इसने अपने बॉन्ड, अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, इतना अपने ड्यूप्लेट पूरा कर लिया। ठीक है, ये कार्बन इसके साथ शेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दिस हाइड्रोजन हैज कंप्लीट देयर बॉन्ड। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे साथ शेयर किया तो एक बॉन्ड बना लेगा, अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तीन, और बॉन्ड भी इसको तीन और चाहिए, तो क्या करेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा, क्योंकि ये भी तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, इसके पास भी तीन बचे हैं एक्स्ट्रा, तो इसने तीन इलेक्ट्रॉन, इसने भी तीन इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए अपने, इसके भी कंप्लीट हो गए, एंड इसके भी कंप्लीट हो गए। तो ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H2। ठीक है, अगर बॉन्ड फॉर्मूले की बात करें तो C, C, H, H, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से बनता है। क्लियर है तक? एक को देख लें कि एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, सी एन इजिकल टू थ्री पे देख लेते हैं, या ज़्यादा पे एन इजिकल फोर पे देख लें। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताइए मुझे, अगर दो हाइड्रोजन ऐड कर दें इसमें, फिर वो वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, पूरे। ठीक है, सो एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं आपको, सी एन इजिकल टू थ्री, सी थ्री एंड एस, सॉरी सी थ्री, फॉर्मूला होता है सी थ्री एच टू, मतलब डबल में से टू कम, तो एच थ्री टू जा सिक्स माइनस टू मतलब फोर, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सी सी एंड सी, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस पे, हाइड्रोजन सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड ये बना दिया, ट्रिपल बॉन्ड इसके पूरे हो गए, इस वाले कार्बन के इसके भी पूरे हो गए, क्योंकि एक इसके साथ बना लेगा ये, और एक हाइड्रोजन हमारे पास एक्स्ट्रा है, सॉरी दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, दो इसको जरूरत है दो की, तो इस तरह से बना सकते हैं हम सी थ्री एच फोर का भी, जैसे हमने अभी बॉन्ड फॉर्मूला बनाया ऐसे ही इलेक्ट्रॉन शेयर फॉर्मूला भी बना सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक शेयर करेगा इसके साथ, ये बाकी तीन इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास, बाकी तीन इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लेगा, इसके साथ। ठीक है, लेकिन इसके पास चार थे तो एक और शेयर कर लेगा इससे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो इससे शेयर कर लिया, बाकी तीन बचे, एक इससे शेयर किया, एक इससे शेयर किया, एक इससे शेयर किया, सबकी वैलेंसी पूरी हो गई और कार्बन ने अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट द एल्किन्स एंड एल्काइन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके नेमिंग के बारे में, जो IUPAC नेम करेंगे, इनके नामकरण क्या होता है, नॉमिनिकलेचर कैसे रखते हैं इनके, अभी तो क्या हुए हैं, बोर्न हुए हैं, आगे इनके नामकरण होगा, हो सकता है खिचड़ी वगैरह खाने के लिए मिल जाए।